In fact, the Prime Minister is speaking in Bhiwani, Haryana. We're going to cut across. बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, और अब वो समय आ गया है जिसकी आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को एक अपील करना चाहती हूँ कि जो नहीं हुआ इस बार हो जाए, कि जो नहीं हुआ इस बार हो जाए। ऐसा बटन दबाना कि दुनिया में जय जयकार हो जाए, उन लोगों की इस तरह से हार हो जाए। ऐसा बटन दबाना कि आपकी बार 400 पार हो जाए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारत माँ के लाल को, जिनको इस देश की जनता ने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त की तरह देश की बागडोर सौंपी है। माँ भारती के लाडले, माँ भारती का विश्व में डंका बजाने वाले समूचे भारत की जनता की आशा की किरण तपस्वी यशस्वी ओजस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि इलाके की जनता आपको सुनने के लिए आतुर है, बेताब है, आप आए और अपना संबोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, राम राम भाई साराय ने। आज बुद्ध पूर्णिमा है। मैं समस्त देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं श्रद्धे गुरु जयराम दास चमन ऋषि और महान सेनानी राव तुलाराम जी को नमन करता हूं। मेरे जांगला के शहीदों और अहिरवाल की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। मैं अगर हरियाणा में आऊं तो पुरानी यादें ताजा न हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यहां भी वहां भी बहुत सारे परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं, पुरानी पुरानी यादें भी, क्योंकि हरियाणा तो बरसों तक एक प्रकार से मेरा घर ही बन गया था। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मुझे राजनीति की बहुत सारी शिक्षा हरियाणा और पंजाब से मिली, और ये मेरा सौभाग्य रहा, इस मिट्टी ने भी मुझे गढ़ा है। वो 1995 का शायद कालखंड होगा जब मैं प्रभारी के रूप में यहां आया था। लेकिन आमतौर पर प्रभारी आते हैं दौरा करने के लिए, मैं हम मुकाब करने आ गया था, यहीं पर रहता था। और उस समय हमारे मनोहर लाल जी संगठन का काम देखते थे, उस समय हमारे रमेश जोशी जी अध्यक्ष हुआ करते थे। तो रमेश जी, मैं, मनोहर लाल जी हरियाणा की खूब खाक छानी थी। मैंने यहां माताओं बहनों के हाथ का खाना भी खूब खाया है, और हमारे नारनौल के सुरजा हलवाई और महेंद्रगढ़ की मिठाई, शायद इसी के कारण ये हमारा राबिला डायबिटिक हो गया। लेकिन अब भी वो इतनी अच्छी बनती है ना सब कुछ। और गर्मी की सीजन में एक गिलास राबड़ी, मोटी मोटी रोटी और एक प्याज,
सारी भूख मिटा देता था। जीत सीधा साधा खाना वो मेरा हरियाणा। साथियों, हरियाणा के घी मक्खन का जोर आज पूरी दुनिया देख रही है। सारी भारत विरोधी ताकतें लगी रहती हैं, लेकिन मोदी इनके झुकाए नहीं झुकता है। अभी मोदी को आपका कर्ज चुकाने के लिए बहुत काम करना है। हमारे हरियाणा को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार। साथियों, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। आप प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, देश का भविष्य भी चुनेंगे। एक और आपका जांचा परखा सेवक मोदी है और दूसरी ओर कौन है, कोई अता पता ही नहीं है। और हरियाणा के लिए तो मोदी मतलब शायद यहां हरियाणा में आपको कम से कम 5,000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो दूर से चिल्ला सके, हे मोदी जी जरा रुक जाओ, ऐसे कहने वाले 5,000 लोग मिल जाएंगे। यानी हरियाणा के साथ मेरा जो अपनापन रहा है, हरियाणा ने मुझे जो प्यार दिया है, और इसलिए हरियाणा का अधिकार भी मुझ पर बनता है। चलते फिरते मुझे कह सकता है, हे मोदी जी गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, इतना मेरा आपसे नाता रहा है। और पिछले 10 साल में आपने उस प्यार में कभी कमी नहीं आने दी, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है साथियों। और ये इंडिया अलायंस वालों का हाल तो ऐसा है कि गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडी वालों में झगड़ा शुरू हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं हर साल एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री होगा, 5 साल 5 PM। आप मुझे बताइए, ऐसे देश चलेगा क्या, चलेगा क्या? और हमारे हरियाणा के लोगों में तो ग्रामीण भाषा में चौपाल में बैठकर के जो ठहाके लेने की ताकत है ना, मुझे पक्का विश्वास है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री 5,000 चुटकुले हरियाणा वाले बना देंगे। साथियों, ये लोग देश को फिर से गड्ढे में धकेलेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। साथियों, इंडी गठबंधन के लोग ये घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, घोर परिवारवादी लोग हैं। अरे वो ताऊ जी को परेशान मत कर रहे भाई, हाँ थोड़ा इधर उधर हो जा रहे।
देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। पांच चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है, उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम चलता नहीं है, उधर ईवीएम का यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। और इसलिए बराबर जम करके इस बार ईवीएम को गालियां दे रहे हैं। हम सब जानते हैं भाई, जिस भूमि में कोई पैदावार न हो, कोई किसान उसमें एक भी बीज डालेगा क्या? जिसमें फसल न हो, ऐसी जमीन पर या ऐसी सीजन में कोई किसान एक भी बीज डालेगा क्या? जब पता है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली तो कोई उधर वोट डालेगा क्या? कोई डालेगा क्या? ये हरियाणा वालों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि उनको मालूम है भाई इनकी सरकार सात जन्म में भी बनने वाली नहीं है। और कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार ही होना है। इसलिए आपको सरकार बनाने के लिए वोट करना है। और सरकार किसकी बनने जा रही है, किसकी सरकार बनेगी? बच्चे बच्चे को पता है किसकी सरकार बनेगी। साथियों, 24 के इस चुनाव में पूरा देश कांग्रेस की सच्चाई जान गया है। कांग्रेस और इंडी वालों के लिए देश में भी बड़ा उसका अपना वोट बैंक है। इन लोगों ने वोट बैंक के लिए देश का विभाजन करवाया, एक भारत और दो मुस्लिम राष्ट्र बनाए। अब इंडी वाले लोग कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमान का है। इन्होंने एससी एसटी ओबीसी इनको जो बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, इसको छीन करके वे वोट जिहाद करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। आपने कल अखबारों में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, बंगाल की हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है
आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया, बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए कोर्ट न होती तो क्या होता, ये पिछड़े समाज के लोग करते क्या, ये मेरे दलित भाई बहन क्या करते हैं, ये मेरे आदिवासी भाई बहन क्या करते हैं। लेकिन साथियों आप ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी, वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। आप मुझे बताइए कांग्रेस हो टीएमसी हो इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं, फिर आपके साथ हरियाणा के साथ कौन खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा। इसलिए मैं हरियाणा के हर एससी हर एसटी हर ओबीसी को भरोसा देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है कोई माइका लाल दलित का आदिवासी का पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता है। वंचितों का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। और भाइयों बहनों ये चुनावी भाषण नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। साथियों अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहां हरियाणा में हर कोई दिन में 200-400 बार राम राम बोलता है, हर 10 कदम पर वो राम राम बोलेगा ही बोलेगा। राम राम के बिना हरियाणा में कोई काम होता है क्या? लेकिन कांग्रेस का बस चले तो हरियाणा में राम का नाम लेने वालों पर ये लोगों को गिरफ्तार कर ले। कांग्रेस पूरे देश से ही राम को हटाना चाहती है। कांग्रेस जब तक सत्ता में रही उसने राम मंदिर नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक का बहिष्कार कर दिया। और अब तो शहजादे के सलाहकार ने तो एक और बड़ा खुलासा किया है, कांग्रेस अब अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगाने की फिराक में है। कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा के लोग रामलला के दर्शन तक नहीं कर पाए, वो रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। क्या हरियाणा के लोग ऐसा होने देंगे क्या? रामलला को फिर से अपमानित करेंगे क्या?
क्या ऐसे लोगों को मेरा हरियाणा जवाब देगा कि नहीं देगा? हर बूथ में चुन चुन करके उनको साफ करेगा कि नहीं करेगा? साथियों, कांग्रेस हमारी आस्था का ही नहीं, हमारे तिरंगे का भी अपमान करती है। 370 के नाम पर कश्मीर को देश से अलग किसने रखा? किसने रखा? 70 साल तक कश्मीर में तिरंगा किसने नहीं फहरने दिया? आज ये लोग कह रहे हैं ये सत्ता में आए तो फिर से 370 वापस लाएंगे। क्या हम कश्मीर के हुए बलिदानों को बेकार जाने देंगे क्या? बेकार जाने देंगे क्या? कांग्रेस के मंसूबों को क्या हरियाणा कामयाब होने देगा क्या? साथियों, कांग्रेस ने देश के पूर्व फौजियों के साथ भी धोखा किया, एक्स सर्विसमैन के साथ धोखा किया। उन्हें दशकों तक पूर्व फौजियों को वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलने दी। कांग्रेस झूठ बोलती थी कि ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन, उसके लिए 500 करोड़ रुपया पूर्व फौजियों को देंगे। अब ये चुनाव जीतने के लिए पूर्व सैनिकों के साथ धोखा किया गया और कांग्रेस के जहन में सेना के प्रति सैनिकों के प्रति नफरत का भाव भरा पड़ा है। और 1962 में पंडित नेहरू की जो ऑरा का गुब्बारा जो फूट गया, चाइना के हाथों में जो हमारी पिटाई हुई, वो उसके लिए गुनहगार हमारी देश की सेना को मानते हैं। और आज भी वो परिवार उसी मिजाज में हमारी सेना का अपमान करने के मौके ढूंढती रहती है। और उसी बदले की भाव से उसने 500 रुपये ऐसे ही फेंक दिया और कह दिया कि वो आरोपी हो जाएगा। वो आरोपी होने का मतलब क्या होता है वो मोदी ने आकर के बताया। मोदी ने आकर के जब वो आरोपी लागू किया, वन रैंक वन पेंशन लागू किया, उन्होंने 500 रुपया का खेल खेला था, आपकी आंखों में धूल झोंकने का पाप किया था। मोदी ने जब एक्चुअली ओआरओपी लगाया, 1,25,00,000 करोड़ रुपया लगा। कितना? अरे जरा बताइए ना, 1,25,00,000 करोड़ रुपया। अब कोई मुझे बताएं कहां 500 करोड़ और कहां 1,25,00,000 करोड़। ये 1,25,00,000 करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों के परिवारों के बैंक के खाते में जमा हो चुका है। जब सैनिकों का मान रखने का जज्बा होता है तो काम भी उसी जज्बे से होता है। साथियों, हमारे हरियाणा को भी लूटने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कांग्रेस के समय में क्या हाल था हरियाणा का। जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले के बाहर नहीं देखता था। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसे लूटने का खुला खेल न चलता हो। आपको याद है ना, नौकरी दिलवाने के नाम पर ये लोग जमीनें बिकवा देते थे।
ट्रांसफर पोस्टिंग की तो खुली इंडस्ट्री चलती थी, सड़कें गड्ढों में होती थी, उद्योगों पर संकट आने लगा था। आप कल्पना करिए, अगर कांग्रेस कुछ दिन और रह जाती तो हरियाणा का क्या हाल करती। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने कांग्रेस के पाप धोने में बहुत मेहनत की है। आज हरियाणा में आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अब न दिल्ली दूर है, न चंडीगढ़ दूर है। हम नारनौल वाले सुबह चंडीगढ़ से निकलते हैं और जात करके काम पूरा करके शाम को रात घर पहुंच जाते हैं। गुरुग्राम वालों का तो जीवन ही द्वारका एक्सप्रेसवे ने आसान कर दिया है। इसलिए अब इस पूरे एरिया में नए नए उद्योग लग रहे हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं गुरुग्राम के युवाओं से भी कहना चाहता हूं, अगले 5 साल ये देश में एक बड़ी क्रांति का समय होने वाला है। आप देखिए कैसे नए नए सेक्टर्स हमारे नौजवानों का भाग्य बदलने वाले हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन हब, फार्मा हब, अनगिनत। और इनमें सबसे इन सब में बहुत से ज्यादा काम मेरे देश के नौजवानों को मिलने वाला है। आपके हर सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। साथियों, कांग्रेस के विश्वासघात का भुक्तभोगी तो हरियाणा का किसान भी रहा है। यहां उसने किसान को सिंचाई के पानी तक का इंतजाम नहीं किया। हम नहरों को जोड़कर यहां तक पानी पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार हरियाणा में 14 फसलों को MSP पर खरीद रही है। हमारे भिवानी का किसान बाजरा और किसान का यहां जो बाजरे की खेती है, और हमारा यहां का किसान जो बाजरा पैदा करता है, मेरे प्रिय बाजरे में से वो है। और मैं याद है यहां जब भी आया बाजरे की खिचड़ी अवर खाई, और मजा है कि जब बाजरे की खिचड़ी खाओ तो आधी खिचड़ी आधा घी, तब बोले खिचड़ी खाने का मजा होता है। अब मैं गुजराती आदमी इतना खा तो नहीं सकता था, लेकिन उनका प्यार हरियाणा के लोगों का, यहां का बाजरा, आज भी वो मुझे याद हमेशा रहता है। लेकिन अब आपके बाजरे के श्री अन्न के प्रचार की जिम्मेदारी खुद मोदी ने ले रखी है। मैंने जितने मिलेट से जितना मोटा अनाज है उसके लिए एक नाम दे दिया है, श्री अन्न। और मैं दुनिया भर में उसका एम्बेसडर बन गया हूं, उसका सेल्समैन बन गया हूं। आपने देखा होगा हमारे देश में G20 की समिट हुई, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता यहां आए थे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जिसको कहें वो सब G20 में थी। और मोदी ने उनको क्या खिलाया? मोदी उनको बाजरा खिलाया। और बड़े बड़े नेताओं को मैंने कहा है ये सुपर फूड है,
और उसका एक परिणाम ही आया कि मुझे भी अमेरिका बुलाया था, व्हाइट हाउस में भोजन था। व्हाइट हाउस में उस दिन काफी लोगों को उन्होंने खाने पर बुलाया था, देश भर के लोगों को, और सबको उन्होंने बाजरा खिलाया व्हाइट हाउस में अमेरिका में। साथियों, इससे क्या मोदी का प्रचार हुआ क्या? इससे प्रचार हुआ हरियाणा का, हरियाणा के किसानों का, हरियाणा के बाजरे का। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने चौधरी बंसीलाल जी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। चौधरी बंसीलाल भिवानी महेंद्रगढ़ के विकास के लिए कटिबद्ध थे और मुझे बड़ा मेरा सौभाग्य रहा, चौधरी बंसीलाल जी से मेरी बड़ी निकटता रही और वो रात को देर तक जागने के आदि थे, तो कभी कभी हमारी मीटिंग रात को 1 बजे के बाद शुरू होती थी और कभी कभी सुबह सुबह तक चलती थी। उनके पास अनुभव की इतनी बातें हुआ करती थी और मैं देखता था कि जब भी बातों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात आती थी, ऐसी एक मीटिंग नहीं होगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की बात निकली हो और चौधरी बंसीलाल जी के आंख में से आंसू न टपके हो। और वो मुझे इतना प्यार करते थे क्योंकि जब मैं गुजरात का था, दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो एक नाता ऐसा बन गया था। और गवर्नेंस की दुनिया में भी साथ साथ काम किया, बरसों तक साथ में काम किया साथियों। लेकिन ये जो महापुरुष है, उन सब से प्रेरणा लेते हुए आज मेरी भी गारंटी है कि हरियाणा का विकास हम रुकने नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए 25 मई को भिवानी में, भिवानी और महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह जी और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह जी, मेरे इन दोनों साथियों को भारी बहुमत से विजयी बनाइए और आप जब उनको कमल के निशान पर वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो आप पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मतदान ज्यादा से ज्यादा कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम है, करेंगे आप लोग? अरे क्या कमाल है भाई, ठंडे हो गए एकदम। मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? अरे मैं भी तो हरियाणा वाला हूं यार, बोलो ना। मेरा एक काम करेंगे? देखिए, पहले तो मैं यहां गांव गांव जाता था, हर इलाके में गया हूं, हजारों परिवारों में गया हूं, लेकिन अब समय की कठिनाई है, जा नहीं पाता हूं, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। करोगे मदद? सब लोग करोगे? ऐसे ही नहीं बता रहे हो ना, सही में करोगे ना? एक काम करना, यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना, ज्यादा से ज्यादा घरों में जाना और हर परिवार के लोगों को बिठा करके कहना कि अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको राम राम कहा है, मेरा राम राम पहुंचा दीजिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.